कैसे मैं आपको एक लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूँ जो कि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को लेकर है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो आज जो डेट है नवंबर 3 का ये लेटेस्ट अपडेट है। फ्रेंड्स आपका जो एडमिट कार्ड है फ्रेंड्स वो इशू हो चुका है। फ्रेंड्स आप अपना एडमिट कार्ड जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्रेंड्स आपको मैं बताऊँगा किस राज्य का आपका एडमिट कार्ड इशू हो गया। फ्रेंड्स ये ऑफिशियल अपडेट है, आप अगर इस राज्य से बिलोंग करते हो तो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है जो एसएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आया था फ्रेंड्स वो एग्ज़ाम को लेके कंफर्म है कि जो आपके एग्ज़ाम है फ्रेंड्स एग्ज़ाम डेट को लेके कंफर्म है। आपके एग्ज़ाम डेट जो फ्रेंड्स 16/11/2021 से 15/12/2021 के बीच पे आपके एग्ज़ाम कराए जाएंगे। फ्रेंड्स पर जो ये एग्ज़ाम होंगे फ्रेंड्स हर स्टेज के अलग अलग जो रीज़न बना रखे उसके वाइज होंगे। फ्रेंड्स अभी एक रीज़न का एडमिट कार्ड इशू कर दिया गया है, उस रीज़न को लेके भी अपडेट बता देता हूँ। फ्रेंड्स किस रीज़न का आपका एडमिट कार्ड डाउन इशू कर दिया गया आप डाउनलोड कर सकते हो। फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसेस CBD है, PFT है, PST है, मेडिकल है, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। फ्रेंड्स आपको मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स आपका किस स्टेज का एडमिट कार्ड इशू कर दिया गया है जहाँ को आप डाउनलोड कर सकते हो। एग्ज़ाम पैटर्न बता दें 90 मिनट मिलेंगे आपको, 100 क्वेश्चन आएंगे टोटल। फ्रेंड्स आप देख सकते हो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्ट ये रहा फ्रेंड्स आपके ये एग्ज़ाम पैटर्न है आपके। फिज़िकल फिटनेस में फ्रेंड्स आपसे ये मांगा जाएगा मेल कैंडिडेट से 5 किलोमीटर रेसिंग 24 मिनट में, फीमेल से 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। फ्रेंड्स एग्ज़ाम डेट को लेके जो लिंक स्पेशली अपडेट हुआ है फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, सर्दर्न रीजन का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। फ्रेंड्स इस लिंक में फ्रेंड्स जैसे आप क्लिक करोगे अपना आपको एग्ज़ाम डेट प्लस में आपको डे भी पता चल जाएगा किस डे आपको आपका एग्ज़ाम है और कितने दिन पहले आपको एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा। फ्रेंड्स जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे एग्ज़ाम डेट और डे पर, फ्रेंड्स जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे फ्रेंड्स आपके सामने ये पोर्टल खुल जाएगा जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स इस रीज़न का मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कैंडिडेट नेम डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी। फ्रेंड्स यहाँ से आपको पूरी डिटेल पता चल जाएगी किस तारीख को आपका एग्ज़ाम है, किस प्लेस पे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। फ्रेंड्स आपको रोल नंबर मिल जाएगा और आपका 7 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा। फ्रेंड्स ये मेरी तरफ से आपके लिए लेटेस्ट अपडेट है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड्स ये SR रीज़न का आपका एडमिट कार्ड इशू हो चुका है फ्रेंड्स जो कि मैंने आपको बता दिया है। और बाकी एक फ्रेंड्स आपका सेंट्रल रीज़न है फ्रेंड्स UP और बिहार वालों का, उनका अभी एप्लीकेशन स्टेटस शो हुआ है। फ्रेंड्स अभी उनका जो एडमिट कार्ड है फ्रेंड्स वो शो नहीं हुआ है, वहाँ खाली UP बिहार वालों का एप्लीकेशन स्टेटस शो हुआ है और अभी बाकी स्टेट का एप्लीकेशन स्टेटस भी शो नहीं हुआ है। फ्रेंड्स ये लेटेस्ट अपडेट है। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।